रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सुन, हम जाते हैं बाहर छुपके से लड़के को देखकर आते हैं, चलना। किसकी आवाज थी? कौन चिल्लाया वहां? अमृता, मुझे तुमसे वो हाँ नकुल के बारे में कुछ बात करनी थी। नकुल के बारे में क्या बात करनी है बताइए। नहीं, यही कि शाबाशी है तुम्हें भाई, तुमने क्या लड़का ढूंढा, कमाल लड़का ढूंढा तुमने। मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो। यस, हम तो पहले से ही बहुत समझदार हैं, हर फैसला सोच समझ कर करते हैं। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, जीती जागती मिसाल तो आपके सामने ही है। आपसे शादी करने का फैसला भी हमने अपनी सूझबूझ से किया था। खैर, इस वक्त ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है, हम बाद में बात करते हैं आपसे। क्या हुआ? अरे अरे, आपके घुटने में लग गई। हम पहले उस कलमुही का इलाज करके आते हैं, फिर आपका इलाज करेंगे। घुटने में लग गई, करता ही जहर। अमृता आंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया था। अभी नहीं, हमें कुछ जरूरी काम है, बाद में बात करते। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज। बोलो। अरे बहुत दर्द हो रहा है भाई, कहीं बैठने की जगह देखता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, यहाँ बैठ जाता हूँ, ये जगह ठीक है। आंटी, मैं जानता हूँ कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उससे आपको और अंकल को बहुत दुख हुआ है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं बस आशी की हेल्प कर रहा था। लोगों ने उसे गलत तरीके से देखा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जा, 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 जा। जो हुआ उसके लिए पूरे कॉलेज की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हो सके तो प्लीज उस इंसिडेंट को भूल जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया। अभी है थोड़ा, है थोड़ा। चले गए मेहमान, अब हम बाहर आ सकते हैं? अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब बाहर आना। और खबरदार, हमसे कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मां। हाँ, अब हमने तो
मैं पहले ही कहा था कि वो अंदर ही है, अपने कमरे में ही है। तुम हमारी बात पे यकीन ही नहीं करती हो, अब क्या कर रहे हो? नीचे मेहमान आए हैं, तुम्हारी सहेली आई है, जाके बात करो उससे, बैठो उसके साथ, चलो आओ आओ आओ। कतई शेर क्या हुआ? तेरी वजह से हम कितना बुरा फंसने वाले थे आज, तुझे पता है? अगर काकी हमें पकड़ लेती ना तो मरी तो खैर नहीं थी। माँ से तो बच गए, पर बाबा ने तुझे हमेशा की तरह बचा ही लिया ना। आज तुम्हें बाबा भी नहीं बचा पाए, काकी का पता नहीं मूड कैसा था, अब आगे भी नहीं चली। तो फिर माँ के कतई जहर से किसने बचाया? हेलो, श्री राम ने, जय श्री राम, निकल। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वक्त लग गया। अरे नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? अरे भाई नकुल, कमिंग आउट हो जाओ, शादी की बात के लिए भी कुछ बचा लो। आ जाओ आ जाओ। हमें तो विद्या बेटिया बहुत पसंद है, बस अब हम घर जाके आपस में बात करते हैं एंड आपको बता देते हैं। जी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा हमें। सर चले। मुझे कल कुछ डिजाइनर कपड़े लेने थे, तो तुम कल शाम मुझे अपने शोरूम लेकर चलोगे ना? ओके। थैंक यू। तो कैसा लगा नकुल? ना पसंद आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता मॉम। उसके शूज देखे थे, क्या लग्जूरियस थे, और उसकी वॉच टॉप ब्रांड की थी। हाँ, उसकी बहन की ड्रेस तो डिजाइनर पीस था, कम से कम 1 लाख का तो होगा ही होगा। 1 लाख? हाँ, उसकी स्किन देखी थी, लगता है बहुत बड़े महंगे पार्लर में ना काफी खर्चा करती होगी। एक बार नकुल से मेरी शादी तय हो गई ना, तो मैं बहुत बड़े पार्लर में जाऊंगी और एक पूरा दिन मैं वहाँ रहूंगी, एकदम मालिया भट्ट बनकर निकलूंगी मैं पार्लर से। फिर मैं भी नौकरों को अपने आगे पीछे घुमाऊंगी, वो क्या कहते हैं, हाँ, अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगी। कॉलेज में सब के सब बस देखते रह जाएंगे, वी का स्वैग। बस तू खुश रहे, तू खुश तो हम भी खुश। काश हमारी विद्या भी आशी की तरह समझदार होती, पैसे नहीं दिल देखती, रिश्ते देखती। ये सामान की लिस्ट है, कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए वरना घर में सुनामी आ जाएगी। विद्या की लिस्ट रख अपने पास। बाबा मैं क्या करूंगी इस लिस्ट का, ये लिस्ट ना आप आशी को दे दीजिए, मैं जा रही हूँ अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराने। बाय गाइस। अरे दी अपना बैग। थैंक्स निधि। अमृता चाहती है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन इसके पास जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं पराए घर को अपना घर कैसे बनाएगी। बाबा विद्या दी बहुत समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेंगी। और वैसे भी कहते हैं ना, जो चीजें हम जिंदगी में अपने आप नहीं सीख पाते ना, वो जिंदगी हमें सिखा देती। तो आप विद्या दी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और ना ही ये लिस्ट की लाइए हमें। ये सारा सामान आ जाएगा, घर पे पहुंच जाएगा, आप आराम से जाइए शोरूम, ठीक है? ठीक है। और खाना याद से खा लीजिएगा, वरना हम काकी से आपकी शिकायत कर देंगे। अब मुझे धमकाना बंद कर। अच्छा एक काम कर, ये कुछ पैसे रख। बाबा ये क्यों? तुझे अपनी काकी के लिए साड़ी खरीदनी है ना,
तो इन पैसों से अपनी काकी के लिए एक साड़ी लेना, सॉफ्ट साड़ी, अच्छी सी साड़ी। चलिए बाय बेटा, बाय बाबा, ध्यान रखिएगा। हाँ सेठ, कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी। ओ हेलो, तुमने मुझे अच्छे से देखा भी नहीं है, बताओ ना कैसी लग रही हूँ? अरे अच्छी लग रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक नई ड्रेस ट्राई करके दिखाती हूँ। ये कलर अच्छा है, ये ट्राई करती हूँ। कीथ पे सब अच्छा लगता है, कीथ है इतनी ब्यूटीफुल, कपड़े मेरा ग्लो नहीं बढ़ाते। मैं जो भी पहनती हूँ उससे कपड़े और डिजाइनर दोनों का ग्लो बढ़ जाता है। ओके चलो मैं ट्राई करके आती हूँ। ओके सेठ, मेरी चेन बंद नहीं हो रही, प्लीज मदद कर दो। आओ ना। ओके बात तो सही कह रहे हो, हम ऐसे भी कह रहे थे कि निधि 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 ये देख, मैं यहाँ वहाँ देख, वो देख, यहाँ का कलेक्शन अच्छा लग रहा है ना, हमें लगता है काकी के लिए साड़ी यहीं से मिलेगी। ठीक है चल ना, मुंह क्यों बना रही किधर। अरे शर्मा कह रहे हो, तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, बंद करो ना। सिट सर, हाँ निशा। सिट सर, आपने बुलाया? निशा अंदर आके मैडम की जिप बंद कर दो। प्लीज प्लीज जाओ, प्लीज हेल्प कर दो, जाओ जाओ जाओ। मैम क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? कुछ नहीं, जिसकी मदद चाहिए थी वो तो शर्मा के चला गया, अब इसकी शर्म कैसे निकालूं? क्यों रहा हूं? मुझे हर जगह आशिकी दिखाई दे रही है। आना निधि, अच्छा तुझे कुछ अच्छा लगे ना तू भी ले लेना। ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, काकी पर कितनी अच्छी लगेगी। चल, कितनी सुंदर सुंदर साड़ी है, देख काकी को बनारसी साड़ियां बहुत पसंद है, चलना चलते हैं। अरे यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये साड़ी वाड़ी खरीदने में, तुझे जो लेना है ले ले और जल्दी से चल यहाँ से। तो कौन सा तुझे? अच्छा भैया, वो जो बनारसी साड़ी दिखी है ना, प्लीज एक मिनट रुके भैया जी, प्लीज उसमें रेड कलर दिखा दीजिए मुझे। यस यस भैया, साड़ी दिखाएंगे आप? हाँ एक।
ये बनारसी नहीं है। ए रश्मि, इनको साड़ियां दिखा, फोन में लगी रहती है, दिखा जल्दी से। दिखाएंगे। बताइए आपको कैसी साड़ी चाहिए? बनारसी में साड़ी दिखाइए, प्रेफरेबली रेड। ये दिखाओ साड़ी, अब प्लीज जाके साड़ी देखिए। दिखाइए प्लीज। हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए। क्या कर रहे हैं आप? साड़ियां नीचे गिर रही, दिख नहीं रहा है आपको? आपकी लापरवाही की वजह से साड़ियां खराब हो रही है। और ये क्या है, कैसे फोल्ड करके रखा है साड़ियों को? आशी क्या कर रही है, छोड़ ये सब, देख रहे हैं सब लोग। निरी रुक जा, दो मेरे मैच देखने में लगे हुए हैं। ऐसे करते हैं साड़ी फोल्ड, इतनी सुंदर साड़ियों की कोई इज्जत नहीं है, पूरी साड़ियां सिकुड़ के रखी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि चांद के ऊपर बादल आ गया हो। साड़ियों की इज्जत करो, कदर करो, इतनी सुंदर है उनकी कुछ तो वैल्यू करो ना। एक्सक्यूज मी, मुझे एक बॉटल ग्रीन लहंगा चाहिए, मिलेगा? सर अभी तो नहीं है सर। आप रुको, ये लहंगा दिखाइए। इसको बोलते हैं बॉटल ग्रीन, है ना ये लहंगा? बिना देखे मना कर रहे हैं। आप तो मना कर रहे थे कि लहंगा नहीं है, अब कहां से आया? जादू हुआ, कोई चमत्कार हुआ? कितना अच्छा लहंगा है, आपने मना कर दिया कि नहीं? वो एक तो बोल रहे हैं सर हम, ये लोग लगे हुए हैं टाइम पास में। आपको निधि रुक जा, आपको क्रिकेट का मैच देखने के लिए यहाँ पे सैलरी मिलती है, कस्टमर आ रहा है, आप बिना कुछ चीजें देखे हुए मुंह पे बोल रहे हैं नहीं अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? आपको चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है? और एक बात बताइए, आपके ऐसे बर्ताव से कस्टमर यहाँ पे दोबारा आएगा? आशी चुप कर, हाथ जोड़ते हम, इनकी नौकरी चली जाएगी। आशी तू निधि, हम भी नहीं चाहते कि उनकी नौकरी जाए, लेकिन आपको अपना काम तो ईमानदारी से करना होगा ना, आप काम में कैसे बेईमानी कर सकते हैं? काम हमारी पूजा होती है, और हमें पता है क्या लगता है कि इनके ओनर नहीं देख रहे ना, इसलिए इन सबको इतनी छूट मिल के रखी हुई है। अगर इनके, लो भाई सीसीटीवी लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि आपके ओनर को भी कोई फिक्र नहीं है। सर आप ही बताएं। सर 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 आप ये हाथ जोड़ के क्यों खड़े हमारे सामने? इसलिए कि आपको यहाँ पे आके तकलीफ हुई और स्टाफ ने आपको ढंग से अटेंड नहीं किया। अरे अंकल इसमें आपकी गलती थोड़ी है। क्या ना कि इस शोरूम का मालिक मैं ही हूँ, यहाँ का स्टाफ नया है, इसलिए इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। सर सॉरी सर, आप प्लीज अपने स्टाफ को मत डांटिएगा, और हमें भी नहीं। क्या है ना, वो हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं ना कि कोई भी अपना काम दिल से नहीं करता है तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जिस काम से हमारे घर में हमारे बच्चों का पेट भर रहा हूँ, हमके साथ कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना। हाँ अंकल, सो सॉरी, वो आशी की बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा, मतलब घर में भी कुछ इधर का उधर हो जाता है ना, ये बहुत चिड़चिड़ करने लगती है। भैया वो रेड वाली साड़ी दे दीजिए। जी थैंक यू। बेटा तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, बिल्कुल सही किया। ये सारा का सारा स्टाफ काम छोर है, इन सबको सुधारने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पूरे लखनऊ शहर में ऐसे 7 शोरूम हैं मेरे, और इन सबको मैनेज करने के लिए मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। अरे मैं तुम्हें मैनेजर की जॉब ऑफर कर रहा हूं। मगर अंकल हम स्टूडेंट हैं, हम साथ में दोनों चीजें कैसे मैनेज कर पाएंगे? इत्मीनान से, आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से, और फिर मुझे जवाब दो। ये मेरा कार्ड है, और मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा। और जो भी जवाब दो सोच समझ कर देना।
थैंक यू। बाबा आपको पता है आज क्या हुआ? आशी ने आज सबको ऐसी डांट लगाई ना कि सबके सब लोग डर गए। हाँ तो ठीक है, हमारी बिटिया ने कोई गलत बात थोड़ी की होगी। देखो भाई, अगर आप कोई काम से काम चोरी करेगा तो ये चुप तो बैठेगी नहीं, ये तो उसके खिलाफ लगाएगी। वैसे हाँ, आजकल हमारे स्टोर में भी ना यही सब हो रहा है। अच्छा, अरे जरा नजर इधर से उधर हो कि बस सब बातें करने लगते हैं। काम बंद, जैसे दिन काम करने के लिए नहीं आते वो फिर बातें करने आते हैं। हर बाबा ये तो कुछ भी नहीं, आशी ने वहाँ पे जो मालिक थे ना उनको भी डांट लगा दी। सोचो, मालिक को डांट लगा दी। बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, आशी उनको डांट लगा दी, कुछ गलत तो नहीं किया था, तो फिर उन्होंने वहाँ पे आओ तो फिर उन्होंने आशी को जॉब ऑफर कर दी। हाँ बाबा, उन्होंने हमें अपने स्टोर पे मैनेजर की जॉब ऑफर की है। आशी बेटा, तू जॉब करेगी तो फिर पढ़ाई कैसे करेगी? बाबा हम क्लास से शाम को जा सकते हैं, पर बाबा हमारा बड़ा मन है कि हम ये जॉब करें। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने लिए नहीं पर अपने बाबा और अपनी काकी के लिए। हम चाहते हैं हमारी वजह से आप दोनों का सर हमेशा ऊंचा रहे। कतई जहर। तुमने सोचा भी कैसे कि हम अपने घर की बहू को बाहर काम करने भेजेंगे? पहले ही हमारे घर की इज्जत पर दाग लगा चुकी हो तुम, अब क्या करना चाहती हो तुम? हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालना चाहती हो? हाँ, ऐसे ही हमारे घर की इज्जत बीच चौराहे पे नीलाम कर दोगी तुम। कतई जहर। ये काम उसी शोरूम में करना है जहाँ से तुझे ऑफर आया है। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम निपटा के आइए, हम यहीं पे। दो घंटे हो गए, अभी तो कोई नहीं आया चाबी लेने के लिए। राम जी, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। रेस्टरूमों का नेटवर्क।